देखिए, कल हमारी बात हो रही थी बलि के बकरे, ठीक है जी। जब भी मतलब कोई ग्रह जो होता है ना, वो खराब हालत में होता है, तो वो अपनी जगह मतलब दूसरे ग्रह को मरवा देता है, हाँ तो उसको बलि का बकरा मतलब कुर्बानी का बकरा बोल देते हैं। जैसे हम छोटे होते थे तब क्लास में नहीं है कि कभी कोई शरारत कर देते थे, दूसरे का नाम तो हम बोल दूसरे का नाम ले देते थे किसने शरारत की है देते। ना, तो डांट उसको पड़ जाती थी। मतलब सही वो डांट उसको आपको पड़ने वाली है, लेकिन आपको नहीं पड़ी, लेकिन दूसरे को पड़ गई। तो सही हर ग्रह ने अपने अपने बलि के बकरे बना रखे हैं, सही ठीक है। जैसे सबसे पहले शनि ग्रह की बात करते हैं, तो जो शनि देव हैं उनके पास दो एजेंट हैं, राहु और केतु को शनि देव का एजेंट बोला गया है, ठीक है। मतलब कि अगर शनि देव एक सांप को हम लें, तो राहु उसका सर है और पूंछ उसकी केतु है, ठीक है। तो जब भी शनि खराब होता है, तो ये जो इसके एजेंट हैं, ये किसी जो शनि की मुसीबत है किसी और पे डाल देते हैं, ठीक है। तो जो राहु केतु हैं, जब दोनों मिलते हैं तो आर्टिफिशियल शुक्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब भी कभी शनि और सूर्य का टकराव हो, मतलब पोजीशन खराब हो, मतलब शनि और सूर्य का मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है, तो वो ना मतलब शुक्र को मरवा देंगे, मीन्स उसका जो बैड इफेक्ट है वो शुक्र पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि शनि और सूर्य के झगड़े में जो है औरत पे औरत मरती जाए, मतलब कि अगर शनि 12वें घर में है और सूर्य 6ठे घर में है, तो वैसे भी ये वर्डिक्ट बोला गया, एक प्रेडिक्टिव पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, तो उस घर में औरत पे औरत मरती जाती है, मतलब उस इंसान की जो औरत है शुक्र उसकी औरत हो गई, ठीक है। मतलब मरती जाएगा। अब इसके दो तीन मतलब निकाले जा सकते हैं। एक चीज तो ये है कि मरना होता है ना, मतलब मन का मरना भी एक मरना होता है, मतलब फिजिकली भी मर जाए, या उसका डिवोर्स हो जाए, या मतलब उसकी अपनी औरत के साथ ना बने, या मतलब औरत की मतलब हालत खराब हो, उसकी स्थिति दयनीय हो जाए, ठीक है ना। अभी सीधी सी बात है, हम देखें अगर आज ये जो बुक है वो 1939 के कॉन्टेस्ट में लिखी गई है, थर्टी नाइन, 40, 41, 42, देन उसके बाद 1952 एक फाइनल ड्राफ्ट आया, ठीक है। तो उस टाइम पे देखिए शनि क्या है, हमारा सॉरी हमारा काम धंधा है, ठीक है, हमारे कर्म का कारक है। जब शनि खराब हो जाएगा, अगर कोई मैरिड पर्सन है उसका शनि खराब हो जाए, तो उसका सबसे पहला जो बैड इम्पैक्ट है वो किस पे आता है, उसकी वाइफ आमदनी पे वाइफ आता है ना। पे हाँ, उसकी वाइफ पे आता है। वाइफ क्या होती है, शुक्र, ठीक है। अगर हम आम जिंदगी में भी, आपको ना लाल किताब की एक खासियत है, आपको लाल किताब ना आम जिंदगी में बहुत रिलेट होती हुई मिलेगी, ठीक है। अगर पिता पुत्र की झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तब भी उस चीज का जो बैड इम्पैक्ट है वो शुक्र पे आएगा। शुक्र रिलेशंस भी हैं, जो शुक्र हैं रिलेशन भी है, लग्जरी भी है, खुशी भी है, मतलब है ना। तो अगर घर के अंदर सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य देखिए पिता है, पालन पोषण करने वाला है, सूर्य नैतिकता है, जो होते ना आम जिंदगी असूल है ना, असूल बोलता है, बड़ा असूलों वाला आदमी है, असूल है। अगर कोई इंसान
अपने असूलों को छोड़ देता है, है ना। एक इंसान मैरिज करता है, उस मैरिज में वो हस्बैंड वाइफ जो दोनों होते हैं ना, मतलब कहीं वो रिटर्न साइन नहीं होता, वो एक जो नैतिक तौर पे असूल के तौर पे एक बंधन में बंधे होते हैं, उसमें वो उसको निभाते हैं। लेकिन वो इथिक्स को नहीं छोड़ते हैं, मतलब वो एक दूसरे के प्रति जो है वो रहते हैं, वफादार रहते हैं, ठीक है ना। कोई रिटर्न तो नहीं है ना, नहीं कोई एग्रीमेंट तो नहीं साइन होता है कि वफादार रहना है, लेकिन वो रहते हैं क्योंकि वो उस रिलेशन के इथिक्स हैं। सूर्य को सुबह उगना है, वो सुबह उगता है, डिसिप्लिन है, हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो वो डिसिप्लिन मतलब आप वो नैतिकता लगा लीजिए, है ना, वो खराब होगा अगर एक रिलेशन के अंदर तो शुक्र इफेक्टेड हो जाएगा ना, वाइफ पे इफेक्ट आएगा, आपके रिलेशंस पे इफेक्ट आएगा, आपके लग्जरी लाइफ की जो ओवरऑल सुख शांति है जिसे हम बोलते हैं, जो आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, सब ये शुक्र की देन है, लग्जरी वगैरह है, तो उन सब चीजों पे इम्पैक्ट आएगा ना। तो इसको आप एक इस कॉन्टेस्ट में भी ले सकते हैं कि अगर इस ग्रह से रिलेटेड चीजें खराब होती हैं तो साथ में किस ग्रह के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है जी। बुद्ध ने भी अपने बचाव के लिए जो है वो शुक्र से दोस्ती की हुई है। अब जो बुद्ध है वो शुक्र का दोस्त भी है। जब उस पे जब बुद्ध खराब होगा तो ऑटोमेटिकली शुक्र भी खराब हो जाएगा। बुद्ध है आपकी बुद्धि, बुद्ध है आपका नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स है ना, जो पाइप्स हैं, पाइप्स जो पाइप होती है ना, पाइप वो बुद्ध की होती है। नर्व क्या होती है, नर्व भी एक पाइप की तरह है ना, मतलब मैं एग्जांपल वो कर रहे हैं, अब जो एक नर्व नाड़ी होती है एक, उसकी आप शेप देखिए, एक पाइप की तरह होती है, नाली की तरह होती है। एक कॉन्सेप्ट भी आता है लाल किताब में, बुद्ध की नाली, बुद्ध अपनी नाली से मंगल को शुक्र से मिला देता है। ठीक है, अगर बुद्ध खराब हो जाएगा तो शुक्र भी खराब हो जाएगा। शुक्र शुक्राणु भी हैं, बम्स भी हैं, है ना। तो बुद्ध की नाली मतलब वो एक नर्व के थ्रू ही इंजेक्ट होते हैं ना, मेल से फीमेल, तो वो उसके बच्चा पैदा करने की शक्ति को भी इफेक्ट कर देता है। अब देख लो, आप ज्योतिष पढ़ते हैं, जब कभी भी आपने कोई अध्ययन किया है तो आप देखिए, आप ये चीज बोलते हैं कि जब भी बुद्ध की बात आती है तो बोलते हैं कि ये, या तो बोलते हैं कि बालक है, ये नपुंसक है, नपुंसक रहे है, बोलते हैं ना। यहाँ अब बात देखो, अब आप बताइए कि प्रैक्टिकल कॉन्टेस्ट में बुद्ध इज अ मीडियम, बराबर, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम लॉजिकल बात बता रहा हूं, इसमें मतलब कोई वो चीज नहीं है। तो शुक्र इफेक्टेड हो गया ना, हाउ शुक्र इज, हाउ क्लोजली इट इज रिलेटेड टू बुद्ध, ठीक है ना। मंगल, जो मंगल पद है, उसने अपना बलि का बकरा केतु को बनाया हुआ है, मतलब शेर कुत्ते को मरवा देगा, शेर हो गया मंगल, ठीक है। केतु कुत्ता भी जो है केतु से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल की किसी का अगर सूर्य सिक्स में है, सिक्स हाउस जो है वो केतु का पक्का घर है ना, और बुद्ध का पक्का घर है, और मंगल जो है टेंथ हाउस में है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक ट्राइन कनेक्शन भी बन रहा है, 2, 6, 10, ठीक है ना, ट्राइन कनेक्शन समझ क्लियर है ना। तो लड़के पे लड़का मरता जाए, ठीक है ना जी, भाई भतीजे को मरवाए,
मींस मंगल अगर बद हो जाएगा, ठीक है, मंगल भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, मंगल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो मंगल है वो भाईचारे को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल बद मतलब क्या है, धोखाधड़ी, लालच, ठीक है। जब भाइयों में लालच होता है तो आप जिंदगी में देखते हैं ना कि भाई भाई के बच्चों का भी दुश्मन बन जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते होंगे, जहां बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी आपने देखे होंगे कि मतलब प्रॉपर्टी के लालच में या किसी लालच में आके मतलब वो भाई के बच्चों तक पे भी बुरा असर कर दिया। ठीक है, ये एक जीवन दर्शन और आम एग्जांपल्स को रिलेट किया गया है। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रेडिक्टिव, लाल किताब एक तरह से कंप्लीटली प्रेडिक्टिव चीज है। ठीक है, इज अ प्रेडिक्टिव मतलब एस्ट्रोलॉजी जो एक सिंपल कॉमन मैन द्वारा लिखी गई है। ही वाज अ वेरी हम्बल पर्सन, पंडित रूपचंद जोशी जी। ठीक है ना, तो मतलब इसको आप इस कॉन्टेस्ट में भी अगर लगा के देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर मंगल बद हो जाएगा तो केतु पे, केतु उसकी अपनी औलाद है, मतलब जिसका मंगल बद है वो अगर अपने भाई की लालच से अपने भाई की जायदाद को हड़पना चाहता है या अपने भाईचारे में लोगों से धोखा देना चाहता है, उसकी मेंटालिटी अगर ऐसी है, ठीक है, कि वो तो केतु के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। मतलब केतु लड़का है ना, केतु आपकी संतान है, तो इट इज अ कॉमन थिंग, मतलब वो दूसरे की संतान पे बुरा असर दे रहा है तो सुरक्षित उसकी अपनी संतान भी नहीं है। ठीक है, जो शुक्र है, शुक्र पत्नी को बोलते हैं, औरत को बोलते हैं, ठीक है ना जी, वो जो अपनी मुसीबत है वो चंद्र के ऊपर डाल देता है कुंडली में। अगर औरत जो है मतलब बुरे स्वभाव की है, बुरी नेचर की, ठीक है ना, किसी की वाइफ की अगर नेचर खराब है, मतलब वो झगड़ालू है या कुछ मतलब कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है, तब जो है मतलब वो किसको सबसे ज्यादा तंग करती है, मैक्सिमम वो सास को तंग करेगी, सास को तंग करेगी। अगर बेटी की भी आदत अच्छी नहीं है तो सबसे ज्यादा परेशान उसकी माँ होगी। ठीक है ना, अब उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, अगर आप देखें कि शुक्र चंद्र बिल मुकाबिल आमने सामने हो तो माता अंधी हो जाए। ठीक है ना, अब शुक्र आमने सामने हो तो माता अंधी नहीं होगी, इसमें एक कंडीशन बता दिया, उस कंडीशन को मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्लेन करें। ये लाइन को आप पढ़िए, फॉर एग्जाम्पल, शुक्र बिल मुकाबिल आमने सामने हो तो माता अंधी हो जावे। मतलब चंद्र और शुक्र सामने सामने हो गए सर खाने में। देखिए, हमने बिल मुकाबिल के ग्रह पढ़ा था ना कल, सॉरी सर मुझे उतना, मैं वीडियो देखा नहीं, तो वापस बिल मुकाबिल, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इन्वॉल्वमेंट होती है, जब हम इन्वॉल्व होके मतलब बात डिस्कस करते हैं ना, तो वो मतलब ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अभी बिल मुकाबिल के ग्रह हमने बोला था कि दो दोस्त भी है, अगर हैं, अगर किसी एक के साथ कोई उसका दुश्मन दूसरे का दुश्मन बैठ जाए, है ना, मींस हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन वहां आपके साथ कोई ऐसा इंसान बैठा है जिससे मेरी बनती नहीं है, तो हम दोनों में भी अब दोस्ती नहीं होगी, अब दुश्मनी का, तो उस कंडीशन में वो दो फ्रेंड्स भी जो हैं वो बिल मुकाबले या मुकाबले के हो जाएंगे, एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे। मतलब शुक्र चंद्र आमने सामने हो या शुक्र चंद्र का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो और उसकी जड़ में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो या तो शुक्र के अगेंस्ट है या चंद्रमा के, मान लीजिए, अब एग्जाम्पल देता हूं, शुक्र और चंद्र का एक्सचेंज हो गया, ठीक, ये अच्छा नहीं है, ओके। लेकिन शुक्र के साथ मान लीजिए केतु बैठ गया,
अब जो केतु है वो चंद्रमा का दुश्मन है, ठीक है। अब मतलब उनमें दुश्मनी का भाव फैला हो गया जबरदस्त, ठीक है ना। या चंद्रमा के साथ सूर्य हो जाए, अब सूर्य और चंद्रमा फ्रेंड्स हैं, लेकिन शुक्र जो है तो सूर्य के साथ फ्रेंडली नहीं है, मतलब इस तरीके की कंडीशन हो जाए, मतलब सूर्य और शुक्र साथ में हो, चंद्रमा सामने होना चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, या शुक्र के साथ भी ये ग्रह आ जाए तो भी हो जाएगा। चाहे तो चंद्र के साथ शुक्र का दोस्त मतलब शुक्र का दुश्मन बैठ जाए, या शुक्र के साथ चंद्र का एनिमी बैठ जाए, फिर सामने कोई भी ग्रह उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, यहाँ बिल मुकाबिल, यहाँ आमने सामने का ग्रह का मतलब होता है बिल मुकाबिल के ग्रह, जो मुकाबले के ग्रह हैं। अब शुक्र और चंद्र मुकाबले के ग्रह हो गए हैं, समझिए ये जो लाइन है ना, शुक्र चंद्र बिल मुकाबिल आमने सामने, मतलब शुक्र चंद्र अगर बिल मुकाबिल के ग्रह, ये समझ गए कंडीशन में हो रहा है। समझ गया। वैसे भी अगर शुक्र और चंद्र की इफेक्टिव मतलब हो जाता है तो उस केस में भी मतलब जो माता के ऊपर बैड इम्पैक्ट आता है। जो प्रैक्टिकली देखा है वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूं। तब भी ये केसेस में आप देखोगे कि बहू और सास की बनेगी नहीं, ठीक है। बृहस्पति ने कुर्बानी के लिए अपने साथ केतु को रखा हुआ है, ठीक है जी। हाँ, तो उसमें जैसे कि बृहस्पति पांच में है, एग्जाम्पल दे रहा है वो, ठीक है। अगर केतु किसी घर में है तो अगर बृहस्पति की मतलब इफेक्ट आएगा, अगर मादशा आएगी या दौर आएगा या बृहस्पति फर्स्ट हाउस के अंदर आएगा, तो अगर उसके जो बैड इंपैक्ट है वो केतु के थ्रू आएंगे, केतु को भी खराब कर देगा। अगर किसी घर की सुख शांति खराब हो जाए ना, खुशहाली मतलब जिसे बृहस्पति है खुशहाली है बरकत, तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है ना वो बच्चों पे आता है, ठीक है। तो उसने एक चीज ये बोली है, जो खाना नंबर छह है ना वो मामा का भी भाव है, देखिए माता का छोटा भाई, फोर्थ से थर्ड, ठीक है। आपके लगन से जो थर्ड होता है वो आपके छोटे भाई का घर होता है, भाई फोर्थ से जो थर्ड होता है वो सिक्स्थ हो गया ना, मामा का घर हो गया। तो अगर मतलब कि बृहस्पति खराब होगा तो संतान पे वो बुरा इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन मामा के मामा को प्रॉब्लम करेगा अपने टाइम में, बृहस्पति की मादशा में या केतु की मादशा में, ठीक है। जो सूरज है वो भी जो अपना बैड इंपैक्ट है वो केतु पे डाल देता है, ठीक है। अगर पिता जो सूर्य है, पिता हो गया आपका, ठीक है, जब आप कमा रहे हो अपनी फैमिली को फीड कर रहे हो तो आप सूर्य हो अपनी फैमिली, जब कमाने वाला जो है फीड करने वाला खराब हो जाता है तो उस चीज का भी या उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस चीज का भी जो सबसे ज्यादा बैड इंपैक्ट जाता है वो बच्चों पे जाता है, आम फैमिली में, ठीक है। चंद्रमा जो होता है वो अपनी जो मुसीबत है वो बृहस्पति सूर्य और मंगल इन पे डाल देता है। अब चंद्रमा को आप माँ मान लो, बृहस्पति दादा हो गया, सूर्य जो उस फैमिली का हेड पालन पोषण कर रहा है, मंगल भाई बहन हो गए, भाईचारा हो गया, ठीक है। अगर किसी घर में जो मदर है उसको कोई प्रॉब्लम अगर होती है, एग्जाम्पल आप मानिए कि शी इज नॉट वेल, तो इन सब चीजों को इम्पैक्ट होता है ना उसका, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, है ना। अभी आपके भाईचारे का कोई आपके घर पे आएगा, आप उसको ना चाय पानी ढंग से पूछ सकते हो, है ना, ना उनकी अवगत कर सकते हो, मतलब आप उनको अटेंड करोगे या उनको चाय बना के पिलाओगे, ठीक है। आई मीन टू से चाय बना के का मतलब हमारे कल्चर में होता है कि इफ समबडी इज कमिंग टू अवर होम तो हम उसको उसको अटेंड कर रहे हैं, तो ये चीजें इम्पैक्ट में आ जाती हैं। तो
मतलब चंद्रमा अगर इम्पैक्ट में आ गया तो मल्टीपली जो तीन ग्रह हैं उनके कारक तत्वों को इफेक्ट कर देगा, ठीक है। अब जो राहु और केतु हैं ये जो हैं ये एक ऐसे हैं ये अपनी मुसीबत खुद भोगते हैं, ओके ठीक है जी। तो ये तो था बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट, मतलब कुर्बानी के बकरे कह लो, बलि के बकरे कह लो।